दो फलनों के गुणनफल का यदि अवकल गुणांक ज्ञात करना है बच्चों, तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। यदि डी अपॉन डी एक्स ये फर्स्ट फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, कोई दो फंक्शन है और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इंटू के फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में है, इसका यदि हमको अवकल गुणांक यदि ज्ञात करना है, तो पहला फंक्शन ज्यों का त्यों रहेगा और दूसरे फंक्शन का हम अवकलन कर देंगे, और प्लस साइन लगा के दूसरा फंक्शन ज्यों का त्यों रहेगा और पहले फंक्शन का हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। कोई भी यदि दो फंक्शन है, पहला फलन दूसरा फलन, पहला फलन ज्यों का त्यों रहेगा, दूसरे का अवकलन, दूसरा ज्यों का त्यों रहेगा, पहले का हम अवकलन कर लेंगे। फार्मूला महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। दूसरा फार्मूला याद रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, पहला फलन और बटे में है दूसरा फलन। तब क्या से करेंगे, तब हम ये करेंगे, दूसरा फलन जो भी रहेगा उसका हम होल स्क्वायर लगा देंगे और दूसरा फंक्शन को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे, और पहले फलन का हम अवकलन कर लेंगे और माइनस साइन लगा के फिर से फर्स्ट फलन को ज्यों का त्यों लिखना है। अब दूसरे फलन का हमको अवकलन कर देना है। सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फंक्शन और डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, या इसी को हम, ये अंश है और ये हर है, इसी को हम लिख सकते हैं, हर का स्क्वायर रहेगा और हर ज्यों का त्यों रहेगा, और डी अपॉन डी एक्स कर लेंगे, या फिर यहां लिख सकते हैं अंश का अवकल गुणांक हम ज्ञात कर लेंगे और माइनस साइन लगा के अंश को ज्यों का त्यों लिख देंगे और इधर हर का अवकल गुणांक हम ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से ये दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे और दोनों फार्मूले की मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ये फर्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू ई की पावर x और इनटू है cos x, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा y का अवकलन dy अपॉन dx और d अपॉन dx e की पावर x और इंटू ये आ जाएगा cos x। यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन e की पावर x है, दूसरा फंक्शन cos x है, और दोनों जो है गुणा के रूप में है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों और दूसरे फंक्शन का हम अवकलन कर लेंगे और प्लस दूसरे फंक्शन अब ज्यों का त्यों लिख लेंगे और पहले फंक्शन का हम अवकलन कर लेंगे। हम फार्मूला जानते हैं, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ आ जाता है फर्स्ट फंक्शन और इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहला ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन, दूसरा ज्यों का त्यों पहले का अवकलन। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों है, दूसरे का हम अवकलन कर रहे हैं, अब दूसरा ज्यों का त्यों है और पहले का हम अवकलन कर रहे हैं। अब अवकलन कर दीजिए, e की पावर x डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स, इधर भी e की पावर x, इधर भी e की पावर x, दोनों से कॉमन ले लेंगे, cos x को पहले लिख लेते हैं और इधर माइनस साइन x। आंसर इस प्रकार से हमको क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर x और tan x अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, तो यह आ जाएगा d अपॉन dx e की पावर x इंटू टेन एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, जैसा कि डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, जैसे कि आप फार्मूला देख रहे हैं। यह आ जाएगा ई की पावर एक्स और डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस
टेन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ये सूत्र में हमने सेट कर लिया इसको। ये आ जाएगा ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स, दोनों से कॉमन ले लेंगे ई की पावर एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा टेन एक्स आंसर। चाहो तो इसको आगे और सॉल्व करना चाहो तो इसको वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको साइन अपॉन कॉस और दोनों का एलसीएम आप ले सकते हो, अन्यथा यहीं तक से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। जैसा कि आप फार्मूला देख रहे हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ई की पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स, या जाएगा e की पावर x d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ई बेस पर एक्स, अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ई बेस पर एक्स। ई नेचुरल लॉग है, नहीं लिखने से भी चलेगा। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मिल जाएगा हमको वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स, एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स और टू एक्स को पहले लिख लेंगे हम और यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स, दोनों से एक्स को कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ बच जाएगा वन प्लस टू लॉग एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, अवकलन करेंगे y का अवकलन dy वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। यह आ जाएगा साइन एक्स इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब लॉग एक्स और प्लस लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा साइन एक्स। फर्स्ट ज्यों कहते हूँ सेकेंड का अवकलन, सेकेंड ज्यों कहते हूँ फर्स्ट का अवकलन साइन एक्स, लॉग एक्स का जब अवकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ज्यों कहते हूँ साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर एक्स और इंटू साइन एक्स, अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स और ये साइन एक्स। एक्स क्यूब को आप फर्स्ट फंक्शन मानिए और इतने को मान लीजिए आप सेकेंड फंक्शन, तो यह आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट जेव कहते हूँ सेकेंड का अवकलन, सेकेंड जेव कहते हूँ फर्स्ट का अवकलन एक्स क्यूब। अब यहां पर देख रहे हैं फिर से दो फंक्शन है, फिर से दो फंक्शन है तो फिर से फार्मूला लगाएंगे हम। ये फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन
इनटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहला ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन, दूसरा ज्यों का त्यों पहले का अवकलन। फिर से यहाँ पर फार्मूला लगाए हैं हम, और ये e की पावर x इंटू साइन एक्स और एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब e की पावर x साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा हमको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और e की पावर x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा हमको e की पावर x और प्लस e की पावर x इंटू साइन एक्स और इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। इसका इंटू इधर कर देंगे, एक्स क्यूब इंटू e की पावर x कॉस x मिल जाएगा, इसका इंटू इधर कर देंगे तो ये मिल जाएगा एक्स क्यूब e की पावर x और मिल जाएगा हमको साइन x, इंटू कर दिए और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और इंटू e की पावर x और ये साइन x। इसको पहले लिख लिए हैं, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे। अब हम देख रहे हैं ये इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, एक्स क्यूब और e की पावर x cos x। इस टर्म को देखिए, यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ e की पावर x है, इधर भी e की पावर x है, हम e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ साइन x है, इधर साइन x है, दोनों से साइन x कॉमन। यहाँ बच जाएगा x बच जाएगा और प्लस यहाँ बच जाएगा 3, बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 5x। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो 1 का इंटू कर लेंगे सभी के साथ, फिर 3x का इंटू कर लेंगे सभी के साथ, ऐसा भी बना सकते हैं। और दूसरे मेथड से हम बना सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स 1 प्लस 3x स्क्वायर और 1 प्लस 5x। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं, दोनों में आंसर वही आएगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहला ज्यों कहते हैं दूसरे का अवकलन, दूसरा ज्यों कहते हैं पहले का अवकलन। डी अपॉन डी एक्स, इसको एक वन टर्म्स और लिख लेते हैं 1, फिर इसका इंटू इधर कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स 5x प्लस 1 प्लस 5x, इसका इंटू 1 से डी अपॉन डी एक्स 1, फिर इसका इंटू डी अपॉन डी एक्स का इंटू 3x स्क्वायर। यह आ जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स 1 है, 1 जो है कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 आ जाता है, 5 कांस्टेंट है, आउट निकल जाएगा, x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस 5x, ये 1 है, 1 जो है कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, आउट हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा हमको 2x। ये आ जाएगा, इस सभी का इंटू 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका इंटू 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5, 1 प्लस 3x स्क्वायर, सभी का इंटू इससे करेंगे तो आ जाएगा 6x और 1 प्लस 5x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको चाहे तो और आगे सॉल्व कर सकते हैं, 5 का इंटू कर दें तो आ जाएगा 5, 5 का इंटू 3 से कर देते हैं तो 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30x स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं 15x स्क्वायर और 30 आ जाएगा, 45x स्क्वायर आ जाएगा, फिर हम लिख लेंगे 6x, फिर हम लिख लेंगे 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन x, अवकलन करने पर dy वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x अपॉन x। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, इसमें हम अंश और हर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, d अपॉन डी एक्स अंश और नीचे में हर है, तो यह आ जाएगा हर का स्क्वायर, हर ज्यों का त्यों और
अंश का एक बार अवकलन कर देंगे, माइनस अंश ज्यों का त्यों और अब हर का अवकलन कर लेंगे। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये फंक्शन जो है अंश और हर में है। हर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स ज्यों का त्यों और डी अपॉन डी एक्स, अंश का अवकलन कर देंगे माइनस अंश ज्यों का त्यों और डी अपॉन डी एक्स, हर का हम अवकलन कर लेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो यही आ जाएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स का अवकलन करेंगे तो वन आ जाएगा और अपमान एक्स स्क्वायर। ई की पावर एक्स दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा एक्स और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स, अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। फार्मूला के अकॉर्डिंग यह आ जाएगा वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा और वन प्लस कॉस एक्स ज्यों का त्यों और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स और माइनस साइन एक्स ज्यों का त्यों और डी अपॉन डी एक्स वन प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। वन प्लस कॉस एक्स ज्यों का त्यों, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, वन का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा बच्चों जीरो, कॉस एक्स का करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स और अपॉन में है वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स का इंटू वन से करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटू कॉस एक्स से करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस और माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस, साइन एक्स का इंटू साइन एक्स से करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है वन और अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों बात का मतलब एक है, कॉस एक्स प्लस वन लिखो चाहे वन प्लस आप कॉस एक्स लिखो, दोनों का मतलब एक है और नीचे में है वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, फिर अंश और हर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स ज्यों का त्यों डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स ज्यों का त्यों डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। इस फार्मूला के आधार पर हमने सेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, अब हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अवकलन और ये माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा और ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर, कुछ नहीं तो अपॉन वन लिख सकते हैं, वन और एक्स का लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स और इसका गुणा एक्स के साथ और इसका गुणा वन के साथ, एक्स के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स लॉग एक्स और माइनस साइन एक्स और इधर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स और कंप्लीट अपॉन में है लॉग एक्स का होल स्क्वायर, कुछ नहीं तो बाई वन लिख सकते हैं। और हम एक फार्मूला जानते हैं, यदि ए बाई बी और कंप्लीट अपॉन सी बाई डी हो तो ए का इंटू हो जाता है डी से और बी का इंटू हो जाता है सी से, तो सबसे ऊपर वाले का इंटू कर लेंगे वन से तो यह आ जाएगा, माइनस साइन को पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन एक्स
और इंटू एक्स लॉग एक्स और माइनस कॉस एक्स अपॉन, इसका इंटू वन से करेंगे तो वही आएगा, इसका इंटू इस इधर से करेंगे बीच वाले का इंटू बीच वाले के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n और अपॉन लॉग एक्स की पावर n, नहीं है ये e की पावर x। अवकलन करने पर dy अपॉन dx, d अपॉन dx x की पावर n अपॉन लॉग e की पावर x, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर लॉग ई बेस पर एक्स, ई बेस पर एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स एक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा अपॉन में लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर, लॉग ई एक्स इंटू एन एक्स एन माइनस वन माइनस एन एक्स की पावर एन, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर माइनस वन और अपॉन लॉग ई बेस पर एक्स का होल स्क्वायर, लॉग ई एक्स इंटू एन एक्स एन माइनस वन माइनस आधार समान होने से घात जो है वो जुड़ जाता है तो यह आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, जैसे फाइव की पावर सिक्स है और इंटू फाइव की पावर टू है तो आधार समान है तो घात जो है वो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से यदि एक्स की पावर एन है और एक्स की पावर माइनस वन है आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा, एक्स की पावर एन और प्लस माइनस वन जोड़ रहे हैं, इसका घात एन है और इसका घात ऋण एक है, दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस माइनस माइनस वन, तो इस प्रकार से आ जाएगा और अपॉन लॉग ई एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स की पावर एन माइनस वन और इधर भी एक्स की पावर एन माइनस वन है, दोनों से कॉमन ले लेंगे, एक्स की पावर एन माइनस वन को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा एन और बच जाएगा लॉग ई एक्स बच जाएगा यहाँ पर से और माइनस यहाँ पर आ जाएगा वन और अपॉन लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन, इसमें भी हम फार्मूला आंसर हर वाला लगाएंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स ज्यों का त्यों डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स ज्यों का त्यों ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स ज्यों का त्यों इंटू साइन एक्स का अवकलन कर लेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, इधर भी ई की पावर एक्स इधर भी ई की पावर एक्स दोनों से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इसको
सेकेंड फंक्शन मानेंगे और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये sec x प्लस टेन एक्स ज्यों का त्यों आ जाएगा और इंटू कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन x इंटू टेन एक्स का अवकलन कर लेंगे। और माइनस x इंटू टेन एक्स ज्यों का त्यों आ जाएगा और जो हर है उसका हम अवकलन कर लेंगे, sec x प्लस टेन एक्स का हम अवकलन कर लेंगे। sec x प्लस टेन एक्स ज्यों का त्यों, अब फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और इसको सेकेंड फंक्शन मानना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन है, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में है। तो आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहला ज्यों कहते हैं दूसरे का अवकलन, दूसरा ज्यों कहते हैं पहले का अवकलन, माइनस एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहां पर ध्यान दीजिए डी अपॉन डी एक्स sec x है, sec x का अवकलन करेंगे हम तो यह आ जाएगा sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर x और कंप्लीट अपॉन में है sec x और प्लस है टेन एक्स का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा sec x प्लस टेन एक्स एक्स ज्यों का त्यों इंटू टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा हमको sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा वन प्लस एक्स और ये आ जाएगा टेन एक्स, sec एक्स इधर भी sec एक्स इधर भी दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा टेन एक्स और प्लस यहाँ sec x बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, एक sec x को हम बाहर निकाल लिए हैं और अपान में है sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी sec x प्लस टेन एक्स है और इधर भी sec x प्लस टेन एक्स है, दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं sec x प्लस टेन एक्स, इन दोनों से कॉमन निकाल लिए हम, सभी से बाहर हो जाएगा ये, यहाँ बच जाएगा x sec स्क्वायर x प्लस यहाँ बच जाएगा टेन एक्स, यहाँ जाएगा x टेन एक्स और इंटू sec x और अपान में है sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। sec x टेन एक्स और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यह आ जाएगा x sec स्क्वायर x और इसको पहले लिख लेते हैं प्लस x tan x और इंटू sec x, बाद में इसको लिख लेते हैं प्लस tan x और अपान में है sec x और प्लस tan x। अब देख रहे हैं sec x और इधर भी sec x, x यहाँ भी दोनों से कॉमन x और sec x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा sec x और यहाँ बच जाएगा tan x क्योंकि ये दोनों से x को तो बाहर निकाल लिए, यहाँ भी sec x इधर भी sec x इसको भी बाहर निकाल लिए तो यहाँ sec x बच गया, यहाँ tan x बच गया और प्लस में है tan x और अपॉन sec x प्लस tan x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, अवकलन करने पर dy अपॉन dx d अपॉन dx e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, कंप्लीट को मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर
और e की पावर x माइनस e की पावर x और इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x का हम अवकलन कर लेंगे, माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ध्यान दीजिए, यह अंश है, ये हर है, हर का वर्ग हर ज्यों का त्यों, अंश का अवकलन कर लेंगे। अब अंश ज्यों का त्यों रहेगा, हर का अवकलन कर लेंगे। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसका इंटू इधर कर देंगे d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, इसका इंटू इधर कर देंगे प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस x, माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका इंटू इधर कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका इंटू इधर कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, e की पावर x ही होता है, प्लस इसको ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, d अपॉन डी एक्स और e की पावर ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स को आपको मानना पड़ेगा t, तो ये आ जाएगा d अपॉन डी टी और e की पावर आ जाएगा ये t और इधर हमको डी टी अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। e की पावर t का करेंगे तो आ जाएगा e का पावर t और d अपॉन डी एक्स, ये t है, t के प्लेस पर उसका वैल्यू क्या, माइनस एक्स, तो हमें मिल जाएगा e की पावर t के प्लेस पर उसका वैल्यू माइनस एक्स और इंटू माइनस एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा हमको -1, तो फाइनली आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसके प्लेस पर हम लिख रहे हैं माइनस ई की पावर माइनस एक्स। और ये आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। यहां पर फिर से एक बार देख लीजिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, हमको डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स ज्ञात करना है, इसको मानना पड़ेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू टी माना, तो आ जाएगा डी अपॉन डी टी और ई की पावर टी और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स लिखेंगे हम, चैन रूल बोलते हैं वो, इसके नेक्स्ट इसके बाद वाले एक्सरसाइज में है। ई की पावर टी का अवकलन करेंगे तो ई की पावर टी आ जाएगा और ये डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये टी है, टी के प्लेस पर इसका वैल्यू माइनस एक्स, e की पावर t, t के प्लेस पर इसका वैल्यू माइनस एक्स और माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा -1, तो इस प्रकार से माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ये माइनस पहले से है, इतने का अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इंटू करेंगे, या फिर आप कॉमन लेना चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हैं या इंटू भी कर सकते हैं। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस और माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स और अपान में है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। यहां देख रहे हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x और माइनस e की पावर x दोनों सेम है, तो हम होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या इंटू करना चाहो तो आप इंटू भी कर सकते हो। होल स्क्वायर लिख लेते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये भी दोनों सेम है e की पावर एक्स और प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन e की पावर एक्स और माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए और बी, और फिर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और ये आ गया बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला में हम एक्सपेंड कर दिए हैं, ये आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। e की पावर x और e की पावर माइनस x कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि e की पावर x है और e की पावर माइनस x है, e की पावर x है इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन e की पावर x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। e की पावर 2x और यहाँ पर ध्यान दीजिए e की पावर 2x है और ये माइनस e की पावर 2x, e की पावर माइनस टू एक्स प्लस में है और ये माइनस का इंटू करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया माइनस टू और माइनस का इंटू प्लस से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू और e की पावर x और e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा माइनस फोर अपॉन e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू log x अपॉन cos x, log x अपॉन cos x, अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, d अपॉन dx, log x अपॉन cos x, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे cos x का होल स्क्वायर cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स और माइनस log x इंटू डी अपॉन डी एक्स cos x, cos x log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस log x, cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन x और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ये एक्स को यहाँ से हटाएंगे तो इधर भी इंटू हो जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इधर आ जाएगा, कैसे आएगा डिवाइडेड बाय वन करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एक्स इधर इंटू हो जाएगा, फिर एलसीएम निकालेंगे तो एक्स का इंटू इधर भी हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स और इंटू साइन एक्स और अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि वाई का वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर हो तो सिद्ध करना है हमको एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई और ब्रैकेट में वन माइनस वाई हमको प्रूफ करना है, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर ये दिया गया है हमको, अवकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे तभी तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स तो इधर भी लिख लेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर, ये फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेंगे सेकेंड फंक्शन, अवकलन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस फोर का होल स्क्वायर, x प्लस फोर ज्यों का त्यों और इंटू d अपॉन डी एक्स एक्स और माइनस d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस फोर, ध्यान दीजिए ये अंश है ये हर है, हर का वर्ग हर ज्यों का त्यों, अंश का अवकलन करेंगे, अंश ज्यों का त्यों, अब हर का अवकलन करेंगे x प्लस फोर, एक्स का अवकलन करेंगे तो वन आ जाएगा माइनस x d अपॉन डी एक्स एक्स का अवकलन करेंगे तो वन और फोर का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा जीरो अपॉन x प्लस फोर का होल स्क्वायर, वन का इंटू इससे करेंगे तो वही आ जाएगा, x का इंटू वन से करेंगे तो x आ जाएगा और अपॉन x प्लस फोर का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल यहाँ पर आ गया फोर अपॉन x प्लस फोर का होल स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आ गया dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया, dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू फोर
अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर आ गया। हमको क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, एक्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में आप गुणा कर दीजिए एक्स का, तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स फोर अपॉन एक्स प्लस फोर, और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर है, टू टाइम से लिख लिए एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फोर, एक्स का इधर भी इंटू कर दिए, एक्स का इधर भी इंटू कर दिए, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये किसका वैल्यू है, एक्चुअल में हम देख रहे हैं एक्स एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर वाई का वैल्यू है, तो इसके प्लेस पर हम वाई पुट कर देंगे और ये लिखा हुआ है फोर एक्स प्लस फोर। अब ध्यान दीजिए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये वाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर लिख सकते हैं। कैसे, इसको ध्यान दीजिए, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर है कुछ नहीं तो बाई वन, इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस फोर, इसका इंटू इधर कर देंगे और वन का इंटू इधर कर देंगे, इसका इंटू इससे करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस फोर, और माइनस एक्स का इंटू वन से करेंगे तो आ जाएगा एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, क्या बच गया फोर अपॉन एक्स प्लस फोर, आखिर वही आ गया। इसलिए इस टर्म को फोर अपॉन एक्स प्लस फोर है, इसको हम वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो वापिस से हमको यही मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई वन माइनस, और ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं वाई, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इस प्रकार से हमको यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ्ड।